नमस्कार दोस्तों, कल हमने कुछ मॉस्किटोस के बारे में बात करी थी, तो आज हम थोड़ा सा मॉस्किटो के बारे में और देख लेते हैं, मच्छरों के बारे में और देख लेते हैं क्या कौन कौन से डिसीज थी जो फैलाती थी। कल हमने देखा था जो पहला यूनिट था, पहला जो अपना पार्ट था, अपन ने कुछ मॉस्किटोस के बारे में देखा था। कुछ और देख लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्टिव आता है कि विच इंसेक्ट विच मॉस्क्यूटोस, ऐसे ही लिख लो, चलो, विच मॉस्क्यूटोस इज द कैरियर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया। ध्यान रखना, माइक्रोफाइलेरिया। अब बात आती है विच मॉस्क्यूटो इज द कैरियर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया। माइक्रोफाइलेरिया आप जानते हो, माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है किसको? फाइलेरियासिस को। मैंने कल आपको बताया था, तो इसका आंसर आएगा क्यूलेक्स। क्या आएगा? क्यूलेक्स। ध्यान रखना, माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है हाथी पांव का जो लार्वा होता है, या अपन कहें, मैं आपको हाथी पांव बता देता हूं। हाथी पांव, हमने आपको कहा था क्यूलेक्स मच्छर से दो रोग होते हैं। प्लीज ध्यान से सुना, विच मॉस्क्यूटो इज द कैरियर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया। माइक्रोफाइलेरिया जो रोग होता है, उसका जो कैरियर है, उसका जो वाहक है, वो है क्यूलेक्स मच्छर। अब बात आती है क्यूलेक्स मच्छर के बारे में, हमने आपको बताया था, तो ये कौन सा रोग करता है? क्यूलेक्स मच्छर दो रोग करता है, ध्यान रखना, क्यूलेक्स मच्छर दो रोग करता है। कौन कौन सा? माइक्रोफाइलेरिया मतलब फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, हमने आपको बताया था। कौन सा रोग करता है? एलिफेंटियासिस। क्या करता है? एलिफेंटियासिस या हाथी पांव। और दूसरा बताया था हमने जेई, ध्यान रखना, क्यूलेक्स मच्छर से दो रोग होते हैं। ध्यान रखो, फिर ध्यान रखो, ध्यान रखो, कौन कौन से? क्यूलेक्स मच्छर से दो रोग होते हैं। कौन कौन से? एलिफेंटियासिस और जापानी एंसेफेलाइटिस। ठीक है, एलिफेंटियासिस और जापानी एलिफेंटियासिस, नाम से स्पष्ट है, एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। इस रोग में हाथी जैसा पांव हो जाता है, इसीलिए इस रोग को हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव। क्या बोलते हैं? हाथी पांव, एलिफेंटियासिस या हाथी पांव। ठीक है, या इसी का एक और नाम है, इसी को कहा जाता है फाइलेरियासिस, फाइलेरिया भी इसी को कहते हैं। तो एलिफेंटियासिस को हाथी पांव कहते हैं, और एक और नाम देते हैं जिसका नाम है फाइलेरियासिस। क्या बोलते हैं? फाइलेरियासिस, इसको फाइलेरियासिस भी कहा जाता है, तो एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखो, फिर से मैं बोलता हूं, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि याद हो जाए, दो रोग होते हैं किससे? क्यूलेक्स मच्छर से। कौन कौन सा? एलिफेंटियासिस या हाथी पांव या फाइलेरियासिस, तीनों एक ही नाम है, एलिफेंटियासिस हाथी पांव हिंदी में, और वैज्ञानिक नाम इसका फाइलेरियासिस। और जापानी एंसेफेलाइटिस, जापानी एंसेफेलाइटिस को बोलते हैं जापानी मस्तिष्क बुखार। क्या बोलते हैं? जापानी मस्तिष्क बुखार, जापानी मस्तिष्क बुखार। एनसेफेलॉन मतलब होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क बुखार बोलते हैं। ठीक है, अभी गोरखपुर में ये रोग हुआ था, गोरखपुर में ज्यादा फैलता है। जापानी एनसेफेलाइटिस जनरली पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, गोरखपुर वगैरह में। ठीक है, तो जापानी मस्तिष्क, इसमें लगभग बच्चे प्रभावित होते हैं, बच्चे लगभग 14 साल से नीचे के बच्चे, बच्चों में यह रोग ज्यादा होता है। ठीक है, जापानी मस्तिष्क बुखार। तो क्यूलेक्स मच्छर, फिर से हम दोहराते हैं, मच्छर की तीन प्रजातियां थी, एनाफिलीस एडिस क्यूलेक्स। कौन सी थी? एनाफिलीस एडिस क्यूलेक्स। एनाफिलीस से सिर्फ एक रोग, मलेरिया, सिर्फ एक रोग होता है, दूसरा रोग कुछ नहीं होता है एनाफिलीस से, मलेरिया। एडिस से चार रोग है, ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और येलो फीवर। और क्यूलेक्स से दो रोग, एलिफेंटियासिस और जापानी एंसेफेलाइटिस। तो विच मॉस्क्यूटो इज द कैरियर ऑफ माइक्रोफाइलेरिया। माइक्रोफाइलेरिया जो होता है वो जनरली, जिससे ये रोग होता है फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस से एक रोग होता है, फाइलेरियासिस से एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं, मेनली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफाइलेरिया, फिर से हम थोड़ा सा और बता देते हैं, जैसे हम आपको एक बता दें हाथी पांव के बारे में, थोड़ा सा हाथी पांव। हाथी पांव में अगर देखा जाए तो जनरली ऐसा मान लो, अपन ने कहा ये पांव है,
ये अपन ने कह दिया पांव है, तो इसमें ये पांव पूरा का पूरा ऐसा पांव सूज जाता है, ये एक सामान्य पांव है। ठीक है, अगर अपन हाथी पांव की बात करें तो हाथी पांव में जो पांव होता है वो इस तरह से पूरा का पूरा सूज जाता है, और ये जो है ये ऐसे थोड़ा सा ऐसा रह जाता है, ऐसा पांव ऐसा हो जाता है, पूरा का पूरा इसमें फ्लूड इकट्ठा हो जाता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, हाथी पांव जो है एक लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित रोग है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन अपन ने देखा, जो देखा कि भाई हाथी पांव रोग या फाइलेरियासिस रोग किससे फैलता है, तो आंसर आ जाएगा किससे फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर से। ठीक है, अगर ये आ गया कि फाइलेरियासिस रोग किससे फैलता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। यदि ये आ गया कि फाइलेरियासिस रोग किससे होता है, तो ये होता है बाउकेरिया, बाउकेरिया बैनक्रॉफ्टाई। किससे होता है, बाउकेरिया बैनक्रॉफ्टाई। बाउकेरिया बैनक्रॉफ्टाई क्या है, एक निमेटोड है, एक क्या है, वर्म है, बस मेरी क्या है, एक वर्म है, निमेटोड, निमेटोड जिसको अपन कहते हैं, तो ये क्या है, एक निमेटोड है, निमेटोड। ठीक है, निमेटोडा एक फाइलम है, ठीक है, एक फाइलम है, उसमें आता है, तो निमेटोड, निमेटोड को सामान्यतः कहते हैं वर्म्स, कृमि, क्या है, कृमि। तो ये जो है फाइलेरियासिस रोग जो है वो मेनली, अब एक भी क्वेश्चन, तो नंबर एक, फाइलेरियासिस रोग किससे फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरियासिस रोग किससे होता है, बाउकेरिया बैनक्रॉफ्टाई, ये उस जंतु का, जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, डेंगू वायरस से होता है, ऐसे ही फाइलेरियासिस से हाथी पांव रोग बाउकेरिया बैनक्रॉफ्टाई से होता है। क्या है बाउकेरिया बैनक्रॉफ्टाई, एक निमेटोड है, क्या है, एक निमेटोड है, निमेटोड यानी वर्म। अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि फाइलेरियासिस रोग में क्या प्रभावित होता है, फाइलेरिया या हाथी पांव में क्या प्रभावित होता है, तो हम आपको बता देते, देखो हाथी पांव में प्रभावित होता है मेनली लिम्फेटिक सिस्टम। मैं आपको बताता हूं, ये हमारे शरीर में ऐसी वेसल्स होती हैं जिनको कहा जाता है लिम्फ वेसल्स। ये क्या है बेटा, लिम्फ वेसल्स, क्या है, इनको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ वेसल्स कह सकते हैं हम। यानी ये अगर कहा जाए तो लसिका वाहिनी है, क्या बोलते हैं, लसिका, हिंदी वाली भी देखें, लसिका वाहिनी, ठीक है, लसिका वाहिनी, लिम्फेटिक वेसल्स। तो इसके अंदर जो फाइलेरियासिस के जो वर्म्स हैं, इसके अंदर पड़े रहते हैं, जो फाइलेरिया वर्म्स हैं, माइक्रो फाइलेरिया अपन कह सकते हैं, बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टाई, वो यहां पड़े रहते हैं और इसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देने से यहां पर क्या हो जाता है, लिम्फ इकट्ठा हो जाता है या टिश्यू फ्लड इकट्ठा हो जाता है, और पांव जो होता है वो हाथी जैसा दिखाई देने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या प्रभावित होता है, तो इसका आंसर आता है कि इसमें लिम्फेटिक वेसल्स प्रभावित होती है। ठीक है, तो फाइलेरियासिस रोग समझ में आ गया, ठीक है, किससे क्या होता है, तो कौन सी वेसल्स प्रभावित होती है, लिम्फेटिक वेसल्स प्रभावित होती है। ठीक है, आओ अपन आगे की बात करते हैं। तो ये अपन ने तीन चार क्वेश्चन देख लिए कि फाइलेरियासिस रोग किससे फैलता है, फाइलेरियासिस रोग किससे होता है, जिससे होता है वो निमेटोड है, ठीक है, फाइलेरियासिस रोग में क्या प्रभावित होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र प्रभावित होता है। अपन अब आगे की बात करते हैं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉस्क्यूटो जो है, एक क्वेश्चन आया, नेक्स्ट, मॉस्क्यूटो कॉप्यूलेट ड्यूरिंग, कॉप्यूलेट ड्यूरिंग, मॉस्क्यूटो कॉप्यूलेट ड्यूरिंग, मॉस्क्यूटो किस क्रिया, कब, किस दौरान मैथुन क्रिया करते हैं, मैथुन मतलब होता है दोनों का मिलना, कब कॉप्यूलेशन करते हैं, कॉप्यूलेशन मतलब मैथुन क्रिया करते हैं, मैथुन मॉस्क्यूटो कॉप्यूलेट ड्यूरिंग। तो इसका अब ये चार आ जाए, पहला लिखा सिटिंग, सिटिंग के दौरान, दूसरा लिख दिया, पहला लिख दिया सिटिंग, दूसरा लिख दिया अपन ने मान लो फ्लाइंग, ठीक है, तीसरा लिख दिया अपन ने फीडिंग, फीडिंग, ठीक है, चौथा लिख दिया अपन ने स्लीपिंग, ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन सही है, ठीक है, एक तो आपको होना चाहिए फ्लाइंग। ध्यान रखना,
जो मॉस्क्यूटो होता है वो फ्लाइंग के दौरान कॉपुलेशन करता है। दोनों मॉस्क्यूटो हवा में उड़ते हैं और दोनों मॉस्क्यूटो उसी समय कॉपुलेशन करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम आपको और बता दें, इंसेक्ट जो होते हैं लगभग लगभग सभी इंसेक्ट कॉपुलेशन काय में करते हैं, एयर में करते हैं, उड़ते समय। जब वो उड़ते हैं उसी दौरान क्या कर लेते हैं, वो कॉपुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मॉस्किटो कॉपुलेट ड्यूरिंग, तो इंसेक्ट कोई भी हो, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो तितली हो, चाहे वो मच्छर हो, मॉस्किटो हो, वो कब कॉपुलेशन करते हैं, जब वो हवा में उड़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, हम एक क्वेश्चन बता रहे थे कि कई बार ये पूछा जाता है कि मेल मॉस्किटो ही क्यों, मेल मॉस्किटो क्यों नहीं काटता और फीमेल मॉस्किटो क्यों काटती है। ये बात है, हम हमेशा रोग कहते हैं कि भाई मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, डेंगू रोग मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, तो फिर मच्छर जो है वो मादा ही क्यों काटती है, नर मच्छर क्यों नहीं काटते। तो हम आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि नर मच्छर क्यों नहीं काटते। अब आप ये नहीं कहोगे कि माउथ पार्ट तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखो, मादा मच्छर इसलिए काटती है, पहली बात तो ये काटती क्यों है, इसको खून की जरूरत है क्यों, मैं आपको बताऊं। एक क्वेश्चन आता है कि ओव्यूलेशन इन फीमेल मॉस्क्यूटोस ठीक है इज इंड्यूस्ड बाय, एक क्वेश्चन आता है ओव्यूलेशन इन फीमेल मॉस्क्यूटो इंड्यूस्ड बाय, मतलब फीमेल मॉस्क्यूटो में ओव्यूलेशन मतलब होता है अंडोत्सर्ग, अंडे देना इज इंड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रेरित होता है। यानी अब आपको बताऊं कि फीमेल मॉस्क्यूटो अंडे क्यों देती है, फीमेल मॉस्क्यूटो अंडे कब देती है, बस में फीमेल मॉस्क्यूटो को अंडे देने के लिए क्या आवश्यकता है, अंडे क्यों दे, किसके द्वारा प्रेरित होते हैं अंडे देना। तो मैं आपको बताऊं इसके कुछ ऑप्शंस है, उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक है टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के कारण फीमेल मॉस्क्यूटो अंडे देती है। दूसरा, या फीमेल मॉस्क्यूटो को अंडे देने के लिए क्या आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा है ह्यूमिडिटी। तीसरा है फोटोपीरियड। और चौथा क्या है ए मील ऑफ ब्लड, ए मील ऑफ ब्लड, ध्यान रखना इसका आंसर है ए। हम आपको बताएं, जैसे अगर मॉस्क्यूटो को अंडे देना है, फीमेल मॉस्क्यूटो जो अंडे देगी उसको पहले वो मनुष्य का ब्लड चूसती है, हैवी डाइट लेती है, मतलब पहले वो क्यों लेती है, मैं आपको बताऊं। अब आपको यहां समझ में आएगा कि फीमेल मॉस्क्यूटो ही क्यों काटती है, मेल मॉस्क्यूटो क्यों नहीं काटता है। फीमेल मॉस्क्यूटो ब्लड लेती है, फीमेल मॉस्क्यूटो इसलिए काटती है क्योंकि उसको एग बनाना है, क्या बनाना है, एग बनाना है, और एग के लिए चाहिए प्रोटीन, क्या चाहिए प्रोटीन, एग बनाने के लिए क्या चाहिए, ये फीमेल मॉस्क्यूटो क्या बनाती है, अंडे देती है, वो अंडे बनाने के लिए क्या चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन जो मिलती है वो मिलती है उसको हमारे ब्लड से, ब्लड हमारे ब्लड में होती है हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन को तोड़ती है, हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती है, हीम और ग्लोबिन, तो उस ग्लोबिन से वो क्या बना लेती है, अपने अंडों की प्रोटीन बनाती है। इसलिए ध्यान रखना, फीमेल मॉस्क्यूटो अंडे देने से पहले मनुष्य को जरूर काटती है ताकि उसके अंडे की प्रोटीन बन सके, यदि अंडे की प्रोटीन नहीं बनेगी तो अंडे नहीं दे पाएगी, अंडे इमैच्योर हो जाएंगे, तो ध्यान रखना। अब फीमेल मॉस्क्यूटो क्यों काटती है, आप बता दोगे, फीमेल मॉस्क्यूटो इसलिए काटती है क्योंकि उसको अंडे की प्रोटीन बनाना रहती है मेल। हाँ, एक बात बताओ, क्या फीमेल मॉस्क्यूटो काटती काटती रहती है, क्या फूलों का रस नहीं चूसती, ध्यान रखना फीमेल मॉस्क्यूटो भी फूलों का रस चूसती है और मेल मॉस्क्यूटो भी फूलों का रस चूसता है, नेक्टर बस में फूलों का रस पीता है, लेकिन जब इसको अंडे देना होते हैं, ओव्यूलेशन करना होते हैं, तब ये मनुष्य का ब्लड पीती है, काय के लिए, अपने अंडों की प्रोटीन को बनाने के लिए। तो इसका आंसर आता है ए मील ऑफ ब्लड, इसको भोजन चाहिए, क्या चाहिए, भोजन चाहिए, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आपको आगे की बात बताते हैं, ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें,
नेक्स्ट यदि हम बात करें कि फीमेल मॉस्क्यूटो जो है वो क्यों काटती है, तो समझ में आ गया। अब काटती है मनुष्य को, काटती है, मेल क्यों नहीं काट पाते, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेल मॉस्क्यूटो मनुष्य को क्यों नहीं काट पाते। तो हम आपको बताएं, एक क्वेश्चन आता है, इसके माउथ पार्ट में एक स्ट्रक्चर होती है मैंडिबल्स, ध्यान रखना, मैंडिबल्स मेल के माउथ पार्ट में नहीं पाया जाता है। मैंडिबल्स का पाया जाना किसका लक्षण है, फीमेल मॉस्क्यूटो का, क्योंकि मैंडिबल्स जो हैं वो इस तरह से होते हैं और इसके आगे जो है ना इस तरह की एक आरी जैसी संरचना होती है जिससे वो हमारे ब्लड में धंसा देती है। और आपको मैं पहले बता चुका हूं मलेरिया वाले में कि इसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, छेदने और चूसने वाले माउथ पार्ट होते हैं। तो ये मच्छर जो है इसके अंदर धंसा देता है मनुष्य की त्वचा में और उसको क्या करता है, ये ब्लड को सक कर लेता है। तो ये क्वेश्चन पीएमटी या दूसरी एग्जाम्स में आता है कि मेल मॉस्क्यूटो क्यों नहीं काटते, क्यों नहीं काट पाते, क्योंकि उनमें मैंडिबल एब्सेंट होते हैं। अगर अपन कहें कि फीमेल मॉस्किटो क्यों काट लेती है, तो उसमें मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं। ये मैंडिबल्स जो है वो काटने वाली संरचना है, छेदने वाली संरचना है। एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि मच्छर जो है वो भिन-भिनाते, मतलब अपन ने देखा होगा भिन-भिनाते क्यों है, एक या अपन कहें जो उनकी जो आवाज आती है, मच्छर कान पे जो आवाज करते हैं वो कैसे आती है। तो इसका एक क्वेश्चन आता है, हॉल्टर्स आर प्रेजेंट इन, हॉल्टर्स, हॉल्टर्स आर प्रेजेंट इन, हॉल्टर्स किस में पाए जाते हैं, हॉल्टर्स, हॉल्टर्स मतलब को बोलते हैं बैलेंसर, हॉल्टर्स जो हैं इनको कहा जाता है बैलेंसर। ये पाए जाते हैं किसमें, जनरली पाए जाते हैं ये मॉस्क्यूटोस में, किसमें, मॉस्क्यूटोज एंड हाउस फ्लाई, ये मैं बताता हूं, मॉस्क्यूटोज में भी पाए जाते हैं एंड हाउस फ्लाई या फ्लाई में पाए जाते हैं, ठीक है, फ्लाई, मॉस्क्यूटो एंड फ्लाई। तो मॉस्क्यूटो और फ्लाई में पाए जाते हैं, मैं आपको बताऊं, मॉस्क्यूटो और फ्लाई जो है एक ग्रुप में आते हैं जिसका नाम है डिप्टेरा, डिप्टेरा काय में आते हैं, एक ऑर्डर है डिप्टेरा ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है डिप्टेरा। तो हॉल्टर्स के कारण इनमें क्या होते हैं, हॉल्टर्स जो बनते हैं वो बनते हैं मेटाथोरेसिक विंग से। अब आपको ये सब चीजें मैं बताता हूं क्या होते हैं, मेटाथोरेसिक विंग से, किससे बनते हैं, मेटाथोरेसिक विंग से, क्या बनते हैं, हॉल्टर्स। हॉल्टर्स होते क्या है, हॉल्टर्स जनरली वे संरचनाएं हैं जो मेटाथोरेसिक विंग के रूपांतरण से बनती है। मेटाथोरेसिक विंग्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, इंसेक्ट में तीन खंड होते हैं, इंसेक्ट के उसमें क्या होते हैं, तीन खंड होते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं इसको हॉल्टर्स वाले को अगले वीडियो में ले लेंगे। धन्यवाद, आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।